कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चार चरण के बाद शुरू हुआ अनलॉक वन में 8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटल, शॉपिंग मॉल को लेकर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं, होटल और मॉल संचालकों की बैठक का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनएक्सी भवन में किया गया। बैठक में डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में अनलॉक वन के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में चर्चा की गई तथा बताया गया कि नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे लागू रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। दुकानों के खुलने के संबंध में निर्गत पूर्व आदेश यथावत रहेंगे। समस्त दुकानें, मॉल, रेडीमेड ट्रेंड कॉम्प्लेक्स शाम 7 बजे बंद होंगे। केवल रेस्टोरेंट रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। मॉल, रेडीमेड ट्रेन कॉम्प्लेक्स, कपड़े की दुकानें आदि के ट्रायल रूम पूर्णतः बंद रहेंगे। दुकानदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक कपड़ों को ना छुए, इसको सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जाए। समस्त जिम बंद रहेंगे। जनसेवा केंद्र प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। जनपद के एकमात्र पशु बाजार छपिया प्रत्येक मंगलवार को खुलेगा। प्रबंधक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कंटेनमेंट बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी। अनलॉक के दिशा निर्देश के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा आईपीसी की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर डीआईजी, एसएसपी, जिलाधिकारी ने भी लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक एवं मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, रेस्टोरेंट से स्वामी या मैनेजर्स सभी प्रिंसिपल को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल एक शासनादेश जारी किया है, जो सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे के अनलॉकडाउन पीरियड में, जो फर्स्ट अनलॉकडाउन पीरियड है, 4 लॉकडाउन पीरियड के बाद उसमें क्या प्रोटोकॉल रहेगा धार्मिक स्थलों पर, क्या प्रोटोकॉल रहेगा रेस्टोरेंट्स पर, क्या प्रोटोकॉल रहेगा मॉल में और क्या स्थिति रहेगी आपके होटल्स में, इन सब चीज़ों पर विस्तृत जानकारी अभी आपको सीनियर अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी। अनलॉकडाउन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सुरक्षा कवच कट गया। सुरक्षा कवच को बनाए रखना हमारे आपका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का दायित्व है। सुरक्षा हमें प्रत्येक दशा में मेंटेन करनी है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। संक्रमण अभी है, संख्या बढ़ती जा रही है पॉजिटिव पेशेंट्स की, इसलिए इसकी चेन को ब्रेक करते रहना है जब तक कि कोरोना की कोई वैक्सीन या मेडिसिन मार्केट में ना आए। हम लोगों का दायित्व अब ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पब्लिक स्पॉट्स पर लगभग 2.5 महीने से लॉकडाउन को निर्पालन करने वाले लोग नेचुरली सार्वजनिक स्थल की तरफ इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए भागे थे। इन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाना अति आवश्यक है, ताकि किसी भी स्तर पर कहीं भी चूक ना हो और संक्रमण फैलने ना पाए। इस पीरियड में खास तौर से जो शासनादेश में निर्देश है
कि रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि विशेष आज्ञा जारी रहेगी। कुछ आवश्यक निर्देश उसमें मुख्य रूप से ये है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति बिल्कुल अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर आए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी लेवल एज के हिसाब से कम हो जाता है, तो वायरस को बर्दाश्त करने की क्षमता इनके शरीर की कम हो जाती है, इसलिए इनका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है और हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनको क्रॉनिक डिजीजेस हैं, कोई किडनी पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई लिवर का पेशेंट है, इस तरह के पेशेंट जिनकी दवा लगातार चल रही है, इन लोगों की भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से बेहद अपरिहार्य स्थितियों में ही ये लोग घर से बाहर आए। जो छोटे हैं इन लोगों को भी बेहद अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर आने लगे। घर से बाहर आने पर फेस कवर या मास्क, अगर मास्क का उपयोग कोई नहीं कर रहा या गमछा, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मास्क का अपरिहार्य है इसका यूज करना। सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 2 मीटर या 6 फुट किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन न मिलने पर, खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन टिश्यू पेपर को आपको डस्टबिन में ही डिस्पोज ऑफ करना, इधर उधर नहीं फेंकना है, और यूज मास्क को भी डस्टबिन में ही फेंकना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। आगे उसी का वीडियो एंड्रॉइड मोबाइल पर, ताकि आपको विशेष सूचनाएं सतर्कता समय से आपके संज्ञान में आ जाए। धार्मिक स्थल पर जो विशेष बातें शासन ने बताई है वो आपके संज्ञान में आ रहा हूं। एक समय में धार्मिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे, और व्यक्ति अगर धार्मिक स्थल पर आते हैं तो 5 वर्ष जो पहले आए हैं वो जब निकल जाएंगे तभी दूसरे 5 व्यक्ति एंटर कर पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, सैनिटाइजर अल्कोहल वाला और इंफ्रारेड थर्मोमीटर या थर्मल स्कैनर आपको धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल, इन सब के बाहर लगाना है, ताकि जो भी एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर चेक किया जा सके और हाथों को सैनिटाइज किया जा सके। जिस व्यक्ति में फ्लू के सिम्टम है उसको धार्मिक स्थल या होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक प्लेसों पर एंटर नहीं करना है। सभी व्यक्ति फेस कवर या फेस मास्क अनिवार्यता इस्तेमाल करेंगे पब्लिक प्लेसेस पर। इसके पोस्टर या स्टैंडिंग आपको सभी सार्वजनिक स्थल पर अपने संस्थान पर मेंटेन करने हैं, जगह जगह बाहर और अंदर दोनों जगह लगवाने हैं। जूते चप्पल के लिए लोग अपने वाहन में ही उतार ले, मैं अपने जूते चप्पलों का प्रयोग करके रखे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी सार्वजनिक प्लेस पे अनिवार्य है, जिसमें आप बचाव के लिए जागरूकता से संबंधित निर्देश समय व्यक्ति सचेत बने रहे। परिसर के बाहर या अंदर अगर दुकानें स्टॉल है तो वहां पर भी 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आवश्यक है, और इसके लिए आपको अपना स्टाफ भी लगाना होगा, उसकी भी शासन ने अनुमति नहीं दी है। लंगर या सामुदायिक रसोई या अन्नदान के लिए भोजन की तैयारी और वितरण के समय शुद्ध रूप से तैयार करना है और उसको वितरित किया जाना है। शौचालयों में और हाथ पैर धोने के स्थल पर विशेष तौर से सफाईयों को मेंटेन किया जाना है, इसीलिए
आप सभी का यहाँ स्वागत है। ये जैसा कि सभी को पता है कोरोना के सिलसिले में ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है और काफ़ी हद तक एडीएमसी साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और ये गाइडलाइंस कॉन्क्रेट के तौर पर और सभी को जारी होंगी। कल की ही गाइडलाइंस कि हमें आगे कैसे कोरोना का बचाव रखना है और अपना सामान्य तरीकों की कैसे जारी रखना है। मैं ज़्यादा समय न देते हुए आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। सबसे ज़्यादा अगर खतरे में है तो स्वास्थ्यकर्मी जो कोर जोन में काम कर रहे हैं, उसके बाद पुलिसकर्मी और नगर निगम सफाई कर्मचारी हैं जो इस तरह के काम में लगातार लगे हैं। हमारा पुलिस वाला, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने लगभग 3.5 लाख लोगों को अपने सामने से गुजारा है हमारे सिपाहियों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। और हम अभी तक सुरक्षित हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत सही पॉलिसी में चल रहे हैं और हम लोग जो हमें सरकार से गाइडलाइंस मिल रही हैं वो केवल ये मत समझ रहे हैं कि हमारे अनुभव से हैं, बल्कि अनुभव से के साथ साथ पूरे वर्ल्ड वाइड अनुभव भी सरकार के पास आता है। विभिन्न देशों में क्या क्या घटनाएं घटी थी, कौन कैसे प्रभाव में आ रहा है, कैसे इसका कोरोना का इफेक्ट बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये सब गाइडलाइनें दी जाती हैं। और पुलिस के लिए इसमें बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। आम काम जो हमारे पास होता है क्राइम के साथ, क्राइम ऑर्डर के साथ, आज की डेट में कोरोना ड्यूटी की स्पेशल बढ़ गई है। हमारा पुलिस वाला काफ़ी स्ट्रेस में है और मैं आज इस मंच से यही कहना चाहूँगा पुलिस का भरपूर सहयोग करें। अगर कोई पुलिस वाला झड़प रहा है तो आप देखिए कि 3 महीने से वो घर नहीं गया है, अपने घर भी जाता है तो बाहरी कपड़े लगाता है, कई बार उसकी ड्यूटी 6 घंटे 8 घंटे बाद फिर लग रही होती है, बाहरी खाली मंगा के खाना खा के चुपचाप चला रहा है। तो हर कमरा में स्ट्रेस में फोर्स लगातार काम कर रही है, छुट्टियाँ रद्द रही हैं, छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं। होली के बाद से कोई छुट्टी गया नहीं हूँ, 5, 7 मई और आज ये 4 महीना चल रहा है। तो साथ ही साथ पुलिस को कुछ अधिकारियात दिए गए हैं जिसमें जुर्माना है, तो अगर कोई पुलिस वाला आपको जुर्माना काटता है तो बहस मत करें। अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, वो आप कह सकते हैं कि जनाब उसने नहीं लगाया, इसने नहीं लगाया, हमारे ही क्यों कटवा उसका भी काटो। चालान काटने की एक सीमा होती है तो अधिकतर होता है, आप देखते हैं जब वायलेशन ज़्यादा होता है तो जो सामने मिलेगा, जो सामने दिखाई देगा उसका चालान कटेगा। बगल से हो सकता है चार लोग स्कूटर में भी चले जाते हैं, आप देखते हैं हेलमेट चालान होता है, गाड़ी के ऊपर चालान होते हैं। तो अब चूँकि मास्क लगाना भी एक अनिवार्य है, मास्क को लेकर के जो भी चालानी प्रोसेस है, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जो जुर्माना है उसके लिए जो प्रोसेस है, रसीदे बकायदा है, जो ट्रेजरी में जिसका पैसा जाता है, कोई किसी के जेब में नहीं जाता है, वो पैसा फिर रिटर्न होकर के हमें कोरोना से फाइट करने में आएगा। तो मैं यहाँ पर आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि पुलिस और प्रशासन जब लोगों का अगर चालान कर रहा है तो उसमें भी सहयोग करें। चालान एक पनिशमेंट नहीं है और चालान बहुत छोटा सा सरकार ने रखा है, कोई बहुत भारी रकम जैसा हेलमेट का 500-1000 रुपये, ये मास्क ना चलाने का पहला चालान मात्र 100 रुपये का है। और ये भी इसलिए है कि आप लोगों को जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। और मैं यहाँ पर हमसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरी हेल्थ साहब हैं, वो कुछ गाइडलाइंस दे पाएंगे और हमारे सीनियर ऑफिसर साहब को गाइडलाइंस देंगे। बस मैं पुलिस की तरफ से DSSP गोरखपुर मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमारी जनता सुरक्षित रहे, हमारी फोर्स सुरक्षित रहे, हमारा मेडिकल स्टाफ सुरक्षित रहे। उसके लिए जो जो गाइडलाइंस हमें दी हैं सरकार ने, हम उनका पालन करें। किसी बड़े शहर के साथ आप तुलना करेंगे, हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहा है इस बीमारी नियंत्रण करने के लिए, इससे श्रेय आपका तो साथ दिए, आपको हृदय दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप हमें साथ देंगे ताकि ये गोरखपुर में किसी का जान इसी बीमारी के लिए गवाए नहीं सकते। अब जानते हैं गोरखपुर 2 साल पहले यही इतने बड़ा बीमारी है, हम लोग अभी उसको लगभग नाक के बराबर कर दिए, हम लोग सामने एक उदाहरण है। जनपद प्रिंसिपल थे, सेक्रेटरी प्रिंसिपल थे, सब लोगों के नाम से हजारों बच्चे पढ़ते थे हर साल, अभी वो नाम लगभग मिट ही गया इस मिट्टी से। ये आपको सहयोग से हुआ है, आपका जानकारी से जागरूकता से हुआ है, ऐसे ही बीमारी है ताकि देखिए यही है जो बीमारी यही है इसका अभी पूरा दुनिया में इलाज नहीं है। ये कोरोना ऐसे नहीं है केवल एक ही बीमारी है, ऐसे अनेक बीमारी है जिसको अभी भी हम लोगों के पास इलाज नहीं है और फिर भी हम लोग उसका सामना किए, कैसे सामना किए हैं वो हम लोग सबका जागरूकता का वजह और सब लोगों का थोड़ा बहुत एक दूसरे के सहयोग किए हैं उसी के वजह।
और ये कोरोना वायरस है, इसी के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। ये कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार का फैमिली है। 1952 में तब ये कोरोना वायरस पहचान में आया है, इसी पे बहुत सारी बीमारी निकलती है। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का वायरस है और इस पे कॉमन फ्लू से लेके मर्स से सांस से सांस संबंधित खासतौर पर ये जो वायरस है, क्योंकि आपका नाक में जाता है पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसी के इन्फेक्ट करता है, और धीरे धीरे आदमी का जो ऑक्सीजन की क्षमता, जो आपका जो सांस लेने की क्षमता का कम कर देता है, उसी वजह बाकी आदमी को जाने वाले ऑक्सीजन कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे आदमी एक तरफ गम फूट के मर जाता है, उसी का हालत में पहुँच जाता है। खासतौर पर जो तंदुरुस्त है, जिसका इम्यूनिटी है अच्छा है, उन्हीं का तो फिर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। खासतौर पर जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो गो मार्केट कहते हैं, किसी का बीपी है, डायबिटीज है, शुगर का मरीज है, हार्ट का, किडनी का, किसी का भी पहले से इलाज चल रहा, उन्हीं का ये काफ़ी जानलेवा और रूप से हो जाता है। खासतौर पर जो बुजुर्ग है 60 साल ऊपर वाले, ताकि वैसे ही उनका क्षमता कम हो जाता है, बुजुर्ग नाते से उनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, उन्हीं का यदि हल्की से भी है मान लीजिए तो ये बीमारी आ जाता है, तो बचाना मुश्किल हो जाता है। और छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिला है खासतौर पर, ताकि उन लोग भी कमज़ोर हो जाते हैं किसी न किसी वजह, ताकि बच्चे का फेफड़ा तो छोटा होता है, उतने कैपेसिटी नहीं रहता। वैसे गर्भवती महिला तो जानते हैं, वैसे वो दो जीवन के वजह वो अपने जीवन दूसरे बच्चे के साथ शेयर करना पड़ता है, इसलिए तो वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सरकार बार बार कहती है ये जो वर्ग है, ये हाई सेंसिटिव वर्ग, इनके घर से बाहर ही नहीं निकलना। अब हम लोग के सामने ये मजदूरी है, 137 करोड़ का आवाज है, करीब 40 करोड़ लोग का कहीं ना कहीं नौकरी का सवाल है। अब वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने ठीक है, अब तक लगभग 6 महीने हो गया है, तब जनवरी से ये एक्टिवली हम लोगों को तब काम किए हैं। मार्च में लॉकडाउन तो आप जानते हैं, मार्च 20-22 से हम लॉकडाउन किए एक्टिव, उसके पहले में से ये बीमारी तो दिसंबर में ही रिपोर्ट हो चुकी है, जनवरी से धीरे धीरे तो फिर इसको लगता था, मार्च के बाद बंद करना पड़ा। ये बंदी की वजह यही है ताकि हम लोग का मेडिकल फैसिलिटी कितने वो सबको हम लोग हाई अलर्ट में रखें। अगर हमारे पास गोरखपुर में 2000 बेड है पूरा कैपेसिटी के साथ रेडी, इनके 2000 पॉजिटिव केस आए हैं, काफ़ी सीरियस हुआ, उनको बचाने की स्थिति पर है। तो 2 महीने 3 महीने जो लॉकडाउन में सरकार ने समय लिया, इसलिए लिया, पहले अगर याद हो उस समय में लॉकडाउन था, उस समय में हैंड सैनिटाइजर नहीं मिलता था, मास्क नहीं मिलता था, पीपीई किट नहीं मिलता था, कुछ नहीं था। अब पिछले 2 महीने में सरकार ने लग करके अपने साधन संसाधन से जो मेडिकल फील्ड में जो चाहिए वो सब एक्यूट कर, बट इसी पे मतलब नहीं है तो कुछ ठीक है, वो सरकार ना छोड़ देगा, ताकि ये देखिए प्रकोष्ठ भी बढ़ती जा रहा है। ये 4 फेज में जो लॉकडाउन हुआ है आपको याद होगा, पहला फेज का लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा क्योंकि विदेश से बहुत लोग बीमारी लेके आए, आप याद कर सकते थे कि ईरान से, इराक से, रशिया से, इटली से बहुत विदेश आए हैं पहले केस, उसी की वजह लॉकडाउन करना पड़ा फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में किसी धार्मिक रूप से हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा फैल गया था। थर्ड फेज में हम लोग का जो ये मेडिकल इन्फेक्शन की वजह फैला, खासतौर पर जो डॉक्टर, हॉस्पिटल और मरीज उन लोग आपस में फैल गया, उसी की वजह थर्ड फेज का मजबूरी से करना पड़ा। चौथा फेज हम लोग का काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, ताकि जो हमारा जो ये प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए गोरखपुर में तकरीबन 2 लाख लोगों का हम लोग घुमाए, बहुत परेशानी में थे, भूखे थे, उन लोगों का खान पान का जगह नहीं है, इसलिए तो पूरे भारत में तकरीबन 350 ट्रेन अब तक है वो घुमा चुके हैं। सब गोरखपुर में जो हमारा जो साथी लोग कहाँ कहाँ फंसे सबको निकलवाया, वो सब अपने घर तो सुरक्षित तो पहुँच गया, बट जाने अनजाने में उनके साथ बीमारी भी बढ़ गया है, आ गया, तो भी हमारा साथी उनको मानने नहीं दे सकते, उन्हीं का भी रखना है, सुरक्षित रखना है, उन्हीं का भी इलाज करा के सही कराना है। अब 1.5 लाख लोग गोरखपुर के अंदर आए हैं, जरूर तो इधर उधर जाएंगे, हम लोग सबको ऊपर नजर तो रखें, और साथ साथ हमारा भी मजबूरी है ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए था। काफ़ी आप लोग भी जानते हैं, बहुत दुकानदार हैं, बहुत जो मंदिर का धार्मिक रूप से जो करने वाले हैं, और बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, तमाम जो लोगों का परेशानी सामना करना पड़ा था, 1 महीने 2 महीने तो ठीक है, काफ़ी रिसीव नहीं कर सकते, काफ़ी लोग अपने भगवान का आस्था बढ़ाने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें तो आकर के जो भी है मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो मंदिर है जो भी है, पर मैं इतने आपसे हेलो मेरे जो धार्मिक साथी तो जो पत्र दूसरे आदमी को उसका साबित नहीं किया है, जाने जाने किया उनको जाए, हम इसी जो सार्वजनिक जगह पे कहाँ पब्लिक टॉयलेट है, जो कहाँ पहुँचता है, जो कहाँ प्रचार पड़ता है, जो इलाका है, इसीलिए वो आपको सावधानी से
और आने वाले के जो हम लोग जब से आज का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है आप लोग इंस्ट्रक्शन को मैं जो आप लोग दो महीने में टीवी पर बैठ के देखे होंगे लेकिन क्या आप मानते हैं कि COVID-19 के आने के बाद हमारे लिए दुनिया बदल गई। इससे पहले भी बहुत सारी समस्या इस धरती में आई, बहुत सारी बीमारियाँ आई। आप जानते हैं प्लेग जैसी बीमारियाँ जब पहले आती थी तो बहुत बड़े बड़े गांव पूरी तरह खत्म हो जाते थे, लेकिन ये मानव जाति है इसने कभी हार नहीं मानी और जो भी समस्या आई उसका हमने सोल्यूशन लिया था। ये बहुत पॉजिटिव बात है। आप लोगों ने अभी पिछले दो महीने में जो धैर्य रखा, जो संयम रखा, उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। और डिफिकल्ट काम है आज हम अनलॉक डाउन कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहते हैं। आप लोग जनता चाहते हैं, मैं मेरे अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि मैं घर जाता हूँ तो जब बच्चे दौड़ के आते हैं मेरे पास में उनको वही रोक देता हूँ, रुक जाओ, मुझे नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े धोने में जाने हैं, हाथ धोने हैं। तो जिस तरह ये मैसेज हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने फैमिली को देते हैं ताकि हम लोग सब सुरक्षित रहें, इसी तरह कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बीसी में हम लोगों को डायरेक्शन दिए। वो डायरेक्शन जब मैंने सुने तो मेरे मन में क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दो महीने में मैं अपने ऑफिस को जो मेरा ऑफिस नॉर्मली फंक्शन करता था मैंने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन कल का स्पीच माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना है। मेरे ऑफिस के स्टाफ को सुरक्षित करने के लिए मुझे और भी कुछ करना है। इससे काम नहीं चलेगा कि क्योंकि हमारा चैलेंज जो है अभी समाप्त नहीं हुआ, वो बढ़ गया। ये जो इंस्ट्रक्शन आपने अभी तक सुने वो बिल्कुल नॉर्मल जो रोज आप सुन रहे हैं वही है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप लोग जब अपना कर्म या जब भी आप अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं जैसे रेस्टोरेंट है या धार्मिक स्थल है तो वहाँ पे जनरल पब्लिक जो आएगी वो ये सोच के आएगी कि नहीं अब मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सिर्फ ये फील लेके आएगा। आप लोग उस इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, चीफ हैं, तो आपके मन में भी ये विचार आना चाहिए कि मैंने अपने स्टाफ की मीटिंग लेनी चाहिए। जब तक आप अपने स्टाफ को एक एक चीजें बताए, मैं पिछले दो महीने से अनुभव कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें बताई, उसके बाद भी गलतियां हो रही है, उनको बार बार काउंसिलिंग करनी पड़ रही है ऑफिस में कि नहीं आप इसको इस तरह से सुधारिए, नहीं आप इसको इस तरह से सुधारिए, ये प्रोसीजर सही नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ, हम सभी ऑफिसर आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जब आप कोई भी व्यवसाय अपना फिर से शुरू करेंगे आप प्लीज अपने साथ की मीटिंग जरूर करिए, उनको बताइए कि कितना सेंसिटिवर हो आपका लेवल जो अवेयरनेस का है, हो सकता है आपके स्टाफ का नहीं हो,
इसलिए हमको उसको अपने लेवल पे लाने के लिए उसको बार बार हैमर करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा नहीं बेटा ये बर्तन ऐसे धोना है, नहीं बेटा ये हाथ ऐसे धोने हैं, नहीं बेटा ये डिस्टेंसिंग यहाँ पे इतनी होनी चाहिए। आपको सारे रूल्स पता है, सारे रेगुलेशंस पता है, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा नहीं फिर से आपको एक बार बताया जाए। वैसे ही आपको अपने रेस्टोरेंट में, अपने ऑफिसर्स में, अपने धार्मिक स्थलों में सबको ये निर्देश देने होंगे, कहीं कहीं निर्देश लगाने भी होंगे लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि नहीं ये देखो ये नियम यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं। ये जो फेज है ये अनलॉक होगा, इसमें सबसे सेंसिटिव जो बिजनेसेस हैं जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा संक्रमण के लिए ओपन थे उन लोगों को सबसे लास्ट फेज में लिया गया और उनको ये सोचा गया कि उनको ये बिजनेसेस ओपन करने से पहले सभी को फिर से एक बार सेंसिटाइज किया जाए। मैं जानता हूँ पिछले दो महीने आपने टीवी पे बैठ के और पेपर्स के द्वारा ये सारे इंस्ट्रक्शंस बार बार पढ़े होंगे, लेकिन आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अभी भी अपने बाइक पे बैठ के अगर गांव में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे, आपको बताना पड़ेगा लोगों की मास्क पहने, आपको ये बताना पड़ेगा कि 2 मीटर की डिस्टेंस होता कितना डिस्टेंस होता है। ये मैंने इसलिए अपने संभाषण के शुरू में ही कह दिया कि हमारी दुनिया बदल चुकी है, COVID-19 के बाद हमारी दुनिया बदल चुकी है, कि हमको नए नियम सीखने पड़ेंगे और नए नियम बहुत इजी है, इजी होंगे जब वो अपने आप के आत्मसात करेंगे, मतलब कानून है उस पर अमल करेंगे, क्योंकि ये पूरे देश जो है पूरे सारे समाज भाग में बहता है। और मास्क की बात जो बता रहे आपको मैं अपनी सारी बात बता रहा हूँ, अक्सर बेहतर प्रोग्राम में जाकर के स्पीच वगैरह करने के लिए दर्द दराज था और स्टेट तो एलर्जी की हमको शिकायत कर जाती थी। 22 तारीख से लॉकडाउन में जनता कर्फ्यू के बाद से 25 मार्च से मनोकमल मास्क लगाना जैसे शुरू किया, आज तक मैं एलर्जी की दवा नहीं खाया है, उसको बेनिफिट मिला, फायदा मिला। तो ये तो हकीकत को जैसे कि हम साहब ने आप साहब इस खबरात में हमारे जैसे जी साहब ने बताया, वाकई में मास्क एक ऐसी ज़रूरत हमारी बन चुकी है, बहुत सी बीमारियों से हम और आप बच जाएंगे, तो ये तो हम अमल करेंगे। दूसरे हमारे जनता ने कहा 5 आदमी मैं मस्जिद का इमाम हूँ, हर धार्मिक स्थल के अलग अलग नियम होते हैं, जो मंदिर है वहाँ के पूजा के नियम अलग होते हैं, गिरजाघर है वहाँ के नियम अलग होते हैं, गुरुद्वारा है वहाँ का नियम अलग होता है, मस्जिद है अजान होती है उसके नियम अलग होते हैं। तो मैं इस बात को समझना चाहता हूँ अच्छे तरीके से आपसे, क्योंकि गोरखपुर के जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से, और आपने बताया 5 आदमी ने इससे पहले भी जैसे नमाज तरावी हुई, जुमा का दिन हुआ, अलविदा हुआ, ईद हुआ, एकदम सख्ती के साथ झगड़ा भी हुआ लोगों से, हम लोगों का कुछ लोग सिलसिले होते हैं, बहुत झगड़ा भी हुआ, पर कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम आने नहीं देंगे, अमल किया गया इस पर, क्योंकि प्रशासन का जो हुक्म है प्रशासन ही से देश हमारा चलता है, उसके अमल करना हमने किया। अब आपने फरमाया कि 5 आदमी तो हमारे वहाँ अजान होने के बाद एक वक्त मुकर्र होगा जमात कितने बजे होगी, तो एक ही वक्त में हो सकती है, उस चीज़ को दोबारा बार बार मस्जिद में नहीं किया जा सकता है, 5 वक्त जो मुकर्र है 5 ही वक्त करना है। तो जैसे कि कुछ नमाजें होती है कि फर्ज नमाज से पहले पढ़ी जाती है, तो ऐसा है कि उनको तो हम लोगों ने पहले बता दी कि आप लोग अपने अपने घरों के अंदर पढ़े, फर्ज नमाज होता है जो 4 मिनट का वक्त होता है जो पूरी जमात के साथ पढ़ी जाती है, इमाम पढ़ाता है पढ़ते हैं, तो सर उसमें हम अभी तक 4-5 लोग लोग पढ़ते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरा ख्याल करते रहे और करते भी रहेंगे, जब तक आपका आदेश नहीं जारी होगा कि आप लोग मिलजुल करेंगे तब तक ये अमल हमारा जारी होगा। तो आप भी हमको बता रहे हैं कितने लोग जैसे हमारे मस्जिद में 300 आदमी पढ़ सकते हैं, तो हम कितने लोगों को सोशल जैसे 6 फीट का हमने बताया उसमें तो हम सर आपको भी अमल करना है, किसी से चटाई हमने कटवा दिया
कभी हटवा दिया, कभी से हमने पूरा साफ और सफा करवा दिया ताकि आए नमाज पढ़े फिर दोबारा पोछा कर जाए, और तीन दरवाजे तीनों को जाए ताकि एक तरफ से आए दूसरे तरफ से निकल कर कोई एक दूसरे से मुसाफा ना करे, सलाम ना करे, बात ना करे, आगे नमाज पढ़े फिर से निकल जाए। तो जमात में हो कितने आदमी ले सकते हैं सर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चलता। जनपद की टीम ने कम से कम मुझे लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के अलावा कई पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिन में नॉट लेस देन जितनी ट्रेनें आपकी आई मुझे लगता है लगभग 300 ट्रेन आई थी, और हर ट्रेन में लगभग जो है आपके 1000 लोग होते हैं। यहाँ पर कम से कम 5 लाख लोग पिछले 15 दिन में, और जैसा कि डीएम साहब कह रहे थे, डीआईजी साहब बोल रहे थे, सबने बहुत सारी चीज़ें सारे दिन लगभग कवर की हैं कि वायरस नहीं खुद चलता है, वायरस इस मोबाइल पर बैठा है, वायरस खुद मूव नहीं करता है, हम उसको चलाते हैं। यदि इस पर वायरस है मोबाइल पर, यदि ये मोबाइल यही पड़ा रहेगा तो हर चीज़ पर वायरस की एक एज है, एक पीरियडिसिटी है, उस पीरियड तक ही उस पर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन यदि ये मैं लेके चला गया इनको दिया इनसे फिर वो वायरस, क्योंकि गोरखपुर जनपद जितना सेंसिटिव है मुझे लगता है पूरे प्रदेश में इस पर कोई जनपद सेंसिटिव नहीं। ये इसलिए नहीं कह रहा है कि हम लोगों को यहाँ का दायित्व दिया गया, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना बाहर से लोग आए हैं, उतरे हैं, गाड़ी चेंज की है, चाय पी है, खाना खाया है, यहाँ से बसों से भेजे गए हैं, उतना पिछले 15 दिन में कहीं नहीं हुआ। और इसलिए कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, और मैं कोई इसमें मतलब अस्पष्टता इंगित नहीं करूँगा कि जो भी शासन के आदेश हैं बहुत कड़े हैं, और हम और ये निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी और एसएसपी साहब को भी बिल्कुल कड़ाई से इसका अनुगमन करें, वो चाहे धर्मीय स्थल किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सुपर मॉल किसी का हो, वो चाहे किसी का हो, यदि शासन ने कहा है कि 5 लोग जाएंगे तो 5 लोग ही जाएंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और बारंबार ये बात कहते हैं, और ये हमारे शब्दों से नहीं आचरणों से ज़्यादा इंगित होता है। मैं भी यहाँ पर 1 साल से हूँ, और हमारा प्रयास रहेगा कि सभी धर्मावलंबी जो हैं अपने धर्म का जो भी क्रियाकर्म है, वो जो भी कार्यप्रणाली जो भी करते हैं वो अपना अनुसार करें। लेकिन ये जो लोग आए हैं 5 लाख लोग, इनका जो वायरस लोड हुआ है होगा, कई लोगों में हुआ है, माइग्रेंट से हमारे पास ज़्यादातर केसेस आए हैं, इसकी एक वायरस की एज है, और वो लगभग यदि हम 1 महीने 1.5 महीने बहुत ज़्यादा अनुशासन रखेंगे मुझे लगता है कि हम उस स्टेज पर भी पहुँच सकते हैं जुलाई के मास तक, जब हम कह सकें कि हम कॉन्फिडेंट हैं गोरखपुर में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, गोरखपुर में जितना होगा वो हम टैकल करेंगे। मैं एक और बोल ये करूँगा कि इस जल्दी में ना जाएँ कि 2 महीने बाद खुल रहा है, 2.5 महीने बाद खुल रहा है, पूरी खोल होगा क्या। दूसरा पहलू आप देखिए, होगा ये कि आपके यहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ, आपकी जो भी धर्मीय स्थान है वो उसको हमने कंटेनमेंट किया, हॉटस्पॉट बनाया, सील किया, सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं उस एरिया के आसपास यदि क्लस्टर हुआ तो और बड़ा एरिया, और यदि सिंगल केस हुआ या एक दो केस हुए तो करीब 200-250 मीटर का एरिया कम्प्लीटली सील हो जाए, और वो तब तक सील रहेगा। इसको थोड़ा सा समझ लें सभी लोग, और क्योंकि ये बात सुपर मॉल पर भी लागू हो जाएगी, वो तब तक सील रहेगा जब तक कि 21 दिन लगातार वहाँ से कोई पॉजिटिव केस ना निकले। 21 दिन तक यदि वहाँ पर कोई पॉजिटिव केस उस एरिया में नहीं निकलता है तो ही हम डीकॉन्टेनमेंट कर सकते हैं या जो भी नए डायरेक्शन आएंगे। जैसे ही कॉन्टेनमेंट होगा वहाँ पर सीएमओ यहाँ पर होंगे, वो तुरंत वहाँ पर हैवी सैंपल कलेक्शन शुरू करेंगे। जैसे ही आप हैवी सैंपल कलेक्शन शुरू करेंगे आप पॉजिटिविटी बढ़ने की चांसेस रहेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा वो जो 21 दिन है बढ़ता जाएगा, और ऐसा ना हो कि उस चक्कर में कि आप थोड़ी सी लैक्सिटी करिए अगले 6 महीने तक पूरा एरिया ब्लॉक हुआ, आपका सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं हुआ, उस पूरे एरिया को हमने ब्लॉक किया। सो इसलिए मेरा अनुरोध यह है, स्पष्ट 5 लोगों का है, इसमें मोदी साहब मेरा अनुरोध रहेगा अभी हम 5 रखें। शासन बहुत संवेदनशील है धर्मीय और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, और इसलिए ही अनलॉक 1 लाया गया। तो आपके बिना सपोर्ट के, आप सभी के बिना सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हम वहीं रखें।
देखिए कल जो वीसी हुई थी उसमें निर्देश मिले थे कि सभी कार्यालय जो खुलने वाले हैं या धार्मिक स्थल जो खुलने वाले हैं या रेस्टोरेंट्स जो खुलने वाले हैं उन लोगों को बुला के जो भी गाइडलाइंस हमने जारी की है उसके बारे में एक दिशा निर्देश हमारे तरफ से जारी हो, इसी का आज अनुपालन करते हुए कमिश्नर साहब मैं DM और SSP यहाँ पर आए और सभी लोगों को बुला के उनको जो बेसिक गाइडलाइंस जो दिए गए हैं वो आज इसको दिया गया है। देखिए पुलिस की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी निर्देश है उसको कड़ाई से पालन करें, है ना, और कहीं पे भी हमको कहीं पे भी कोई कमी नज़र आती है तो हम उसको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे और नहीं उसका अनुपालन होगा तो फिर उसमें कार्रवाई करेंगे। देश और राज्य सरकार के निर्देश में चल रहा है और उसके क्रम में कल से कुछ और धर्मी प्रतिष्ठान जो हैं, हमारे जो धर्मी स्थल हैं वो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खुलने की बात है और उसी के क्रम में गोरखपुर जनपद में ये एक आह्वान हमने किया है और अपील की है और सभी समुदाय सभी ग्रुपों के लोगों को बुला के हमने निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि जो भी शासन के नीति निर्देश हैं 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सही प्रकार से मास्क का प्रयोग हो, इन सभी चीज़ों का अनुपालन हो, इसी का अनुरोध हमने किया है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि यदि ये जो नीति नियम और निर्देश हैं यदि इनका अनुपालन नहीं होता है तो हम फिर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। स्कूल कॉलेजेस के लिए अभी कोई निर्देश नहीं है, वो यथावत बंद रहेंगे।